गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 7 अगस्त 2021, वर्ग तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 25। अध्याय का नाम है बुद्धू जी ठगे गए। यह कहानी है, इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। प्यारे बच्चों, यह जो है बुद्धू जी ठगे गए, आप लोगों को इस कहानी से यह समझ में आ जाएगा कि जो है जो लोग ठग का काम करते हैं वह अच्छा काम नहीं करते हैं। ठग लोग को जो है ठग लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धूर्त ठग भोले भाले लोगों को ठगने के लिए किस किस तरह की चालाकियां दिखाते हैं यह इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानी का संदेश है कि दूसरों का विश्वास करते समय सदा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आए। यह शिक्षा बालक आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि जो है आप दूसरों का विश्वास करते समय सदा अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य कीजिए, किसी के बहकावे में कभी नहीं आइए। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। अब आप लोग, ये कहानी जरा बड़ा है, आप लोगों को कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा कि ठग कैसा रहता है। आप पेज नंबर 119, पेज नंबर 119 निकाल लीजिए, पढ़ाई होने जा रही है, ध्यान दीजिए। बुद्धू जी ठगे गए। बुद्धू जी की प्रसिद्धि पूरे इलाके में फैली हुई थी। बच्चों, वह अपने नाम की तरह ही बुद्धू ही थे। बुद्धू नाम था, बुद्धू ही थे। एक बार बुद्धू को अपना घोड़ा बेचना था, बकरी भी बेचनी थी। उसने सोचा दोनों को एक दिन ही पशुओं को पैठ में ले जाकर बेच दे, दोनों को एक ही बार बेच देंगे। उसने बकरी के गले में एक घंटी बांध दी। समझते जाइएगा, बकरी की रस्सी घोड़े की पूंछ से बांध दिया। फिर वह घोड़े पर सवार हो गया। अब घोड़ा चलता तो उसकी पूंछ से बंधी बकरी भी चलती, तब बकरी के गले में बंधी हुई घंटी भी बजती थी। घंटी के बजने से बुद्धू को पता चल जाता था कि बकरी भी पीछे पीछे आ रही है। कुछ ठगों ने बुद्धू को जाते हुए देखा, उन्होंने उसे ठगने की योजना बनाई। एक ठग चुपचाप घोड़े के पीछे पहुंचा और उसने बकरी के गले से घंटी खोलकर घोड़े की पूंछ में बांध दिया, फिर चुपके से बकरी को लेकर भाग गया। घोड़े की पूंछ से बंधी घंटी पहले की तरह बजती रही। भोला भाला बुद्धू समझता रहा कि बकरी घोड़े के पीछे पीछे चली आ रही है। कहानी समझते जाइए आप लोग, कहानी है, जरा बड़ा कहानी है, आप लोगों को हम बतलाते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। कुछ दूर चलने पर बुद्धू को दूसरा ठग मिल गया। ठग ने उनसे पूछा, घोड़े की गर्दन में घंटी बांधते तो कोई बात थी, तुमने घोड़े के पूंछ में घंटी क्या बांध दी? बुद्धू ने पीछे मुड़कर देखा, बकरी गायब थी। घोड़े की पूंछ से घंटी बंधी थी। वह घोड़े से नीचे उतरा और रोने लगा, हाय, घोड़े की पूंछ से घंटी बंधी थी,
वह घोड़े से नीचे उतरा और रोने लगा। हाय घोड़े की पूँछ से कोई मेरी बकरी खोल कर ले गया। ठग उसे समझता हुआ बोला, रो मत, मैंने कुछ दूर जंगल में एक आदमी को एक भूरी बकरी ले जाते हुए देखा है। तुम्हारी बकरी का रंग कैसा है? भूरा बुद्धू ने रोते रोते बताया। ठग ने कहा, अब तो वही तुम्हारी बकरी है, घबराओ मत, कभी तुम्हारी बकरी छीन कर लाता हूँ, अभी तुम्हारी बकरी हम छीन कर लाता हूँ, जरा घोड़ा लाओ। यह गया और वह आया। बुद्धू ने बकरी के लोभ में अपना घोड़ा ठग को सौंप दिया। घंटों बीत गए बच्चों, वह नहीं ठग लौटा, उसने घोड़ा ठग लिया। अब उसे वापस लौटने की आवश्यकता भी क्या थी? तब बुद्धू को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, वह बैठकर रोने लगा। तभी तीसरा ठग आया, उसके पास आया, बोला, भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? बुद्धू ने सारी आवृत्ति का सुनाई। ठग बोला, तुम भी मेरी तरह दुखी हो, लेकिन अब रोने से क्या होता है, तुम्हें क्या दुख हुआ? बुद्धू ने उनसे पूछा। ठग बोला, मेरे पास दादाजी की दी हुई सोने की ईंटें थी, मैं उन्हें गठरी में बांधकर जंगल में गाड़ने के लिए ले जा रहा था। मुझे रास्ते में प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा, गठरी कुएं की जगत पर रखकर पानी पीने लगा। पास ही कुछ गायें चर रही थी, एक गाय कुएं की जगत से रगड़कर अपना सिर खुजलाने लगा। उसने सिंग मारकर मेरी गठरी कुएं में लुढ़का दी, मेरा सब कुछ चला गया, मैं कुएं में घुस नहीं सकता, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं बहुत दुखी हूँ। तब बुद्धू बोला, घबराओ नहीं, मैं कुएं में छलांग लगा सकता हूँ, मिनटों में तुम्हारी सोने की ईंटें खोज दूंगा, बस तुम मुझे वह कुआं दिखा दो। ठग उसे एक सुनसान जगह में एक गहरे कुएं पर ले गया। बुद्धू ने कपड़े उतार दिए और रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया। आप समझते जाइए कहानी। वह पानी में बार बार डुबकी लगाकर खोजता रहा, पर कोई गठरी नहीं मिली। बहुत देर बाद परेशान होकर बुद्धू कुएं में से बोला, भैया यहाँ कुछ नहीं है, मैं बहुत ढूंढ चुका, अब रस्सी लटकाओ, मैं बाहर आता हूँ। अब कुएं पर कोई हो तो बोले। ठग तो बुद्धू के सारे कपड़े लेकर पहले ही चंपत हो चुका था, नहीं भाग गया था। बुद्धू घंटों तक कुएं में फंसा रहा, तब कोई भला व्यक्ति कुएं पर पानी पीने आया, उसने रस्सी डालकर बुद्धू को कुएं में से निकाला। बाहर आकर बुद्धू ने उस भले व्यक्ति को सारी घटना बताई और बोला, इसका अर्थ तो यह हुआ कि ना कोई किसी पर विश्वास करे और ना ही किसी की सहायता करे। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि बुद्धू जो था धूर्त था, धूर्त ठग भोले भाले लोगों को ठगने के लिए किस किस तरह की चालाकियां दिखाते हैं, इस कहानी में आपको दर्शाया गया है। बच्चों आप समझ गए होंगे, और दूसरों पर विश्वास करो और दूसरों की सहायता करने को भी सदा तैयार रहिए, इस पाठ से आपको शिक्षा मिली। कोई धोखेबाज, ध्यान रखना है कि कोई धोखेबाज अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाकर तुम्हें किसी तरह हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए आप लोग को एक कहानी जरा बड़ा था, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत इसमें प्रेरणा मिली आपको कि हमें ठग से बचना चाहिए, हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना। अब मैं आप लोग को आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।